अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। जीडी मंडला के सनती इलाके में वाक़ फार्मा केमिकल कंपनी में आतिशबाजी हादसा, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। ई जोन टास्क फोर्स टीम ने टप्पा चबूतरा में ममनुआ गुटखा और जर्दे का रैकेट किया बेनकाब, 5 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद। प्रगति नगर कुकटपल्ली में रहजनी की वारदात, 2.5 तोले तलाई मंगल सूत्र खातून के गले से उड़ा लिया गया। एमजीबीएस के करीब गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का सेंटर पर धावा, 25 साल नौजवान गिरफ्तार, हुक्केदान और दीगर अशिया की गई जब्त। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी को 31 मार्च से कबल यकीनी बनाया जाए, बलदी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने अवाम से की अपील। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने उनके हल्के असम्बली सनत नगर के आदित्या नगर में 3 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली लाइब्रेरी की इमारत के तामीरी कामों का आगाज किया और भूमि पूजा में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा कि वजीर आईटी केटी रामाराव ने लाइब्रेरी की इमारत की तामीर के लिए फौरी तौर पर रकम मंजूर की है, जबकि हैदराबाद में 83 लाइब्रेरियों का ख्याम अमल में लाया जाएगा। रियासी वजीर टी श्रीनिवास यादव ने उनके हल्के असम्बली सनत नगर के आदित्य नगर में 3 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली लाइब्रेरी की इमारत के तामीरी कामों का आगाज किया और भूमि पूजा में हिस्सा लेने के बाद बताया कि वजीर आईटी के टी रामाराव ने लाइब्रेरी की इमारत की तामीर के लिए फौरी तौर पर रकम मंजूर की है और बताया ग्रेटर हैदराबाद में 83 लाइब्रेरियों का ख्याम अमल में लाया जाएगा और करीब 15 अगस्ती लाइब्रेरियों को शुरू करने के इकदाम भी किए जाएंगे। रियासी वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की शुरू करदा स्कीमात, आसरा वजायफ, डबल बेडरूम मकानात की फरहमी, फीफद 6 किलो चावल की फरहमी, शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम मुल्क भर में मारूफ हो रही हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए शहरियों से अपील की है कि वो 31 मार्च से कबल अपने अपने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करें जो बगैर किसी सूद के हासिल की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी काम इत्मीनान बख्श हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए शहरियों से अपील की कि वो 31 मार्च से कबल अपने प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करें जो बगैर किसी सूद के हासिल की जा रही है। उसके लिए हर हफ्ते जीएचएमसी के दफातर पर खसूसी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जीएचएमसी कमिश्नर जनार्दन रेड्डी ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम इत्मीनान बख्श है और इस सिलसिले में कम कीमत में स्टील खरीदी जा रही है और सीमेंट फैक्ट्री मालिक्स ने 239 रुपए फी थैला देने पर भी रजामंदी जाहिर की है, जबकि बाजार में फी थैला 330 रुपए फरोख्त हो रहा है। उन्होंने जीएचएमसी के दीगर इकदाम से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। अब एवरी ईयर फरवरी मार्च में हम ये प्रॉपर्टी टैक्स डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए संडे परिष्कार एक वेदिका लगाते और एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एंड जोनल कमिश्नर ऑफिस में एंड हेड ऑफिस में, दिस टाइम ऑल्सो वी हैव पुट दैट एंड आई रिक्वेस्ट द पीपल टू मेक यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर विंडो। ये जो सुविधा दिए गए हैं वो सुविधा को इस्तेमाल करके किसी को डाउट है, संदेह है, तो वो संदेह निवृत्ति करके प्रॉपर्टी टैक्स को पे करना है एंड इंटरेस्ट वेवर नहीं है मार्च से पहले। नो सैंड एक्चुअली गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर प्लेस में सैंड डिपोज माइनिंग डिपार्टमेंट वाला अलर्ट किए हैं, उधर जाके लाते, जितना ज़रूरत है उतना ही लाना, इस्तेमाल करना, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना, फिर वो लोग देते, उसका सैंड का कोई कमी नहीं है एंड ये गवर्नमेंट डिपो में से ही वो लोग ले रहे हैं। और फाइन सैंड के वास्ते शहर के चारों तरफ सैंड डिपोज लगा के माइनिंग डिपार्टमेंट खुद सैंड को इधर ला के
वहाँ से वो लोग लेते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी है वो लोग देना है। और स्टील के बारे में भी गवर्नमेंट ने स्टील मैन्युफैक्चरर से डिस्कस करके उसका प्राइस भी थोड़ा कम कराया, एंड देन इससे पहले सीमेंट का प्राइस भी यूनिफॉर्म 230 रुपीज़ बाज़ार में थी, 300 भी रहने दो, 230 को अब ये सीमेंट कंपनीज दे रहे। सो प्रॉब्लम्स आते रहते घर बनाने में, बट जैसा जैसा प्रॉब्लम्स आ रहे हमारा नोटिस को वो पर्टिकुलर एजेंसी से बात करके वो सॉर्ट आउट करने को कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ही चल रहा है जोर से तेज। नो दो एरिया में भी उससे पहले कोई भी नहीं है। सो अब और थोड़ा टेंडर कंडीशंस रिलैक्स करके, रिलैक्सेशन कैसा मीन्स वायबिलिटी गैप फंडिंग भी, इससे पहले पूरा प्राइवेट पार्टी को इन्वेस्ट करो बोले थे, अब हम वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोज आप 10% पूछे, दूसरों ने 20% पूछे, आपको दे देंगे। अब इससे पहले 0% थे वायबिलिटी गैप फंडिंग, पूरा प्राइवेट पार्टी को करने को कहे थे हम। सो प्राइवेट पार्टी कोई सामने नहीं है, वो खिलवत एंड ये शालीबंडा में दोनों जगह में भी थोड़ा रिवाइज्ड कंडीशंस दे के जा रहे हैं ताकि ये अट्रैक्टिव हो जाए प्राइवेट पार्टी। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीली कामों में रुकावटें खड़ी करने के सिलसिले में दाखिल करदा पिटीशन पर कोर्ट की रूलिंग का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस पिटीशन के दाखिल करने में और आबपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए केसेस दर्ज करवाने में कौन कौन से कांग्रेस कायदीन का हाथ है, वक्त आने पर उनका नाम आवाम के सामने लाया जाएगा। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में रुकावटें खड़ी करने के सिलसिले में दाखिल करदा पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का खैर मकदम किया और कहा कि इस पिटीशन को दाखिल करने में और आबपाशी प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किसी पर केस दर्ज करवाने में कौन कौन से कांग्रेस कायदीन का हाथ है और कांग्रेस और किसानों से कितनी हमदर्दी है, वक्त आने पर ऐवान में या ऐवान के बाहर आवाम के सामने उन नामों को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि दयाला केसीआर किसानों की लाखों एकड़ अराजी को पानी सैराब करने की गरज से कालेश्वरम और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम करवा रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर अहदेदारों और मुशीर खास बराए हुकूमत अनुराग शर्मा के अलावा दीगर के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासत के कई एक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। जराए के मुताबिक वजीर आला ने कई एक हिदायतें जारी की और हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीमात की तफसीलात भी हासिल की। حفاظت خود اختیاری کے تحت کراٹے کی تربیت حاصل کرنا موجودہ حالات میں لڑکیوں کے لیے لازمی ہے، جس کے مد نظر رکھتے ہوئے حکومت تلنگانہ کی جانب سے قائم کردہ اقلیتی اقامتی مدارس کی طالبات کے لیے کراٹے کی تربیت کا نظم کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں لیڈی کراٹے ماسٹر سیدہ فلک کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ سیدہ فلک نے قابل ازیں اقلیتی اقامتی اسکول آصف نگر اور ملک پیٹ کی طالبات کو تربیت دے چکی ہیں، جبکہ آج گرلز ریسیڈینشل اسکول چار مینار کی طالبات کو سیدہ فلک نے کراٹے کی تربیت دی۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل معصومہ حسن بھی موجود تھیں۔ چار مینار گرلز یو نو وارملی ویلکم سیدہ فلک ہو از این انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن۔ میم وی ویلکم یو ہیئر، وی آر گلیڈ یو آر ہیئر ایٹ چار مینار گرلز ایگزسٹنگ، اینڈ میم از ہیئر ٹو ٹیچ سم بیسک سیلف ڈیفنس ٹیکنیکس وچ ان ٹرن ول ہیلپ آر گرلز ٹو پروٹیکٹ دیم سیلفس ان کمنگ فیوچر۔ آج میں یہاں ٹیمبریز چار مینار گرلز ون برانچ میں لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس اور کراٹے کے کچھ ٹیکنیکس دکھانے آئی ہوں۔ آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کے زمانے میں لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس سیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ہم لوگ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ٹیمبریز کے سبھی برانچز میں ساری لڑکیاں سیلف ڈیفنس سیکھیں اور اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ بنے، وہ تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکے اور اس سے فزیکلی فٹ بھی رہ سکتے ہیں وہ۔ تو میں بھی سارے برانچز وزٹ کروں گی، ٹیمبری اسکول کے 19 برانچز ہیں آل اوور حیدرآباد، سبھی برانچز میں میں ایز این انٹروڈکشن کلاس کراٹے اسپورٹس سے ان لوگ کو واقف کراؤں گی اور کچھ سیلف ڈیفنس ٹیکنیکس دکھاؤں گی۔ اس کے بعد کوچز جو ہے ریگولرلی سارے برانچز وزٹ کر کے سیلف ڈیفنس اور کراٹے ٹریننگ دیں گے لڑکیوں کو۔
جڑمٹلہ کے صنعتی علاقے میں واقع ایک فارما کیمیکل کمپنی میں آتی زدگی حادثہ پیش آیا جس کے دوران 6 افراد جھلس گئے۔ تفصیلات کے مطابق آگ بھڑکنے کے بعد تقریباً صبح 6:30 بجے فائر سروس عملے کو اطلاع دی گئی اور 6 فائر انجنوں نے مقام حادثے پر پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ 6 زخمی افراد میں 2 کی حالت زیادہ جھلس جانے کے سبب تشویشناک ہے اور زخمیوں کا گاندھی ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ اطلاع ملتے ہی جڑمٹلہ پولیس نے اتفاقی حادثے کے سلسلے میں ایک شکایت درج کی اور ضابطے کی کاروائی انجام دی۔ ڈی سی پی بالانگر ڈویژن سائی شیکھر نے مقام حادثے کا معائنہ کیا۔ సిక్స్ 6:50కి ఇవాళ 6:50కి మనకి ఫస్ట్ ఫైర్ కాల్ వచ్చింది జీడిమెట్ల నుంచి. సో మీరు చూస్తున్నది ఇక్కడ విజయశ్రీ కెమికల్స్, దాని పక్కన ఉన్న సిటీ ఫార్మా కంపెనీలో రెండిట్లోనూ ఫైర్ అయింది. సో మీరు చూసినట్లయితే మనకి మొత్తం 8 వెహికల్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఆల్మోస్ట్ ఫైర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ట్రక్ మాత్రం కొంచెం ఫైర్ ఉంది, ఇంకా కంట్రోల్ చేయాల్సింది. అదర్వైజ్ మేజర్ ఫైర్ అంతా ఆల్రెడీ కంప్లీట్లీ ఎక్స్టింగ్విష్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి, మనకి ఐదుగురికి ఇంజురీస్ అవటం జరిగాయి. సో ఐదుగురిని కూడా ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్కి పంపించేశారు ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు ఫైర్ సిచ్యువేషన్ ఆల్మోస్ట్ కంట్రోల్లోనే ఉంది. లోపలికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు, లోపల నుంచి కూడా ఫైర్ ఫైటింగ్ జరిగింది. లోపల నుంచి కూడా ఫైర్ ఫైటింగ్ మనకైతే ఇంజూర్డ్ పర్సన్స్ 5 మనం షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఎక్కడ హెడ్ కౌంట్ మిస్సింగ్ ఉంది, ఎంప్లాయీస్ మిస్సింగ్ ఉన్నారని అయితే మనకి ఎవరు ఏం చెప్పలేదు ఇప్పటి దాకా. సో మనం చూసినంత మటుకు కూడా మిస్సింగ్ పర్సన్స్ అయితే మనకేమి లోపలికి వెళ్లి ఫైర్ ఫైటింగ్ చేశారు రెండిట్లో, సాయి కెమికల్స్ అండ్ పక్కన ఉన్న సిటీ ఫార్మాలోను. మనం చూసిన 5 రెస్క్యూ చేసి మనం హాస్పిటల్కి ఆల్రెడీ పంపించేశాము. మరి మిస్సింగ్ హెడ్ కౌంట్ ఇంకా ఫర్దర్ ఉందనేది అయితే మనకి ఇంకా ఎవరేమి చెప్పలేదు. 6:50కి మనకు ఫైర్ కాల్ వచ్చిందండి. 7 ఫస్ట్ వెహికల్ రీచ్ అయింది జీడిమెట్ల నుంచి. దాని తర్వాత మిగిలిన 7 బండ్లు కూడా రీచ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఫైర్ అంతా కంట్రోల్లో ఉంది. ఇక్కడ చాలా కెమికల్స్ ఉన్నాయి, బేసిక్ గా బ్రోమిన్ ఒకటి, ఐకో సైనైట్ అని ఒకటి, చాలా ఉన్నాయి. అంటే వీళ్ళ ఆన్సిలరీ ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, రా మెటీరియల్స్. సో చాలా కెమికల్స్ ఉన్నాయి. అయితే బ్రోమిన్ కెమికల్ చూడొచ్చు మీరు, ఎల్లో కలర్ ఫ్యూమ్స్ అన్ని వస్తా ఉన్నాయి. ఇక్కడ టోటల్ ఎన్ని ఇక్కడ మొత్తం 8 వెహికల్స్ తోటి పనిచేస్తారు. మనకి సికింద్రాబాద్, కూకట్పల్లి, జీడిమెట్ల, సనత్ నగర్ నుంచి మొత్తం 8 బండ్లు వచ్చాయి, ఇంక్లూడింగ్ షామీర్పేట. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ ఫైర్ ఫైటింగ్ మీదనే దృష్టి పెట్టాం. వన్స్ ఫైర్ ఫైటింగ్ అయిపోయిన తర్వాతే మనం రీజన్స్ గానీ కాజెస్ గానీ అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫైర్ ఫైటింగ్ అండి. ఐస్క్యూ చేశారు, 5 హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది. దాంట్లో హెచ్సిఎల్ ఉన్నట్టు చెప్పారు, బట్ అది పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు. ఆ ట్రక్ ఒకటే మనం ఇప్పుడు హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం, అది ఒక 1/2 కూడా పట్టదు.
ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बाबासूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टप्पा चबूतरे में वाक़े एक मकान पर धावा किया और गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे ममनुआ गुटका और जर्दे की तैयारी के एक रैकेट को बेनकाब किया। टास्क फोर्स के मुताबिक 48 साल मोहम्मद अब्दुल अतीक साकिन मुस्तैदपुरा टप्पा चबूतरे को हिरासत में ले लिया गया और जुमला 5 लाख रुपये मालियती गुटका और तम्बाकू अशिया के अलावा दीगर सामान को जब्त किया गया। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बाद ऐसा गिरफ्तार शुदा मुलजिम को बरामद शुदा अशिया के हमरा मजीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया। దాని వాడే పదార్థాలు తర్వాత కొన్ని తయారు చేయబడిన గుట్క ప్రదర్శిని సాధన పట్టుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు పెట్టుకున్నాం. సుమారు ఎంత గుట్క సార్ వర్త్ ఆఫ్ దాని వాల్యూ? ఇప్పుడు తయారు చేయబడిన గుట్క కానీ ఇక్కడ ఉన్న గుట్క అది అందాజా 2 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది. దాని పైన ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు పట్టుబడి తొలిసారిగా ఇప్పుడు మనం నోటీస్ కావాలంటే తొలిసారి తర్వాత ఇంకా వేరే చోట ఏమన్నా కేసులు ఇవ్వాలంటే ఒకసారి తెలియజేయాలి. سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور وزیر آئی ٹی کے ٹی راما راؤ پر الزام عائد کیا کہ وہ روزانہ مختلف کانفرنسز کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے کروڑوں روپیے کی تشہیر تو کر رہے ہیں لیکن ایک فرد کو بھی ملازمت فراہم کرنے میں وہ ناکام ہے۔ ہنمنت راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ کروڑوں روپیوں کے بینک اسکیم پر کارروائی کرتے ہوئے مرکزی وزیر فائنانس کو کابینہ سے برطرف کریں۔ دہشت گرد یہ صحیح بات بول رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام سی بی آئی انکوائری کر رہا، اس کے گھر پہ چھاپہ مارے، اس کے گھر پہ چھاپہ، بازو رکھو، پہلے ادھر پٹیل کو ریزگنیشن کرو، نہیں تو تم آپ فائنانس منسٹر سے ہٹو۔ کیوں بولتے ہو؟ یشونت سنہا جیسے بھی فائنانس منسٹر تھے، چدمبرم جیسے تھے، مگر آپ چدمبرم کے اوپر سب کے اوپر بول رہے، مگر تمہارا کیا ہے؟ تمہارا انٹیگریٹی بتاؤ، ایمانداری بتاؤ، لوگوں کے اوپر آروپ کرنے کا چھوڑو، ایمانداری سے آپ ریزگنیشن کرتے یا ادھو پٹیل کرتے؟ فائنانس منسٹر آپ ہے یا نہیں تو ادھو پٹیل ہے؟ وہ بےمانی کر رہا تو تم کیوں کرے؟ ریزرو بینک تمہارے انڈر میں رہتا، یو آر ورکنگ لائک اے گڈ لائر ٹو ڈیفینڈ اپ نریندر موڈی۔ پرگتی نگر کوکٹ پلی میں ایک رہزنی کی واردات انجام دی گئی اور ایک خاتون کے گلے سے 2.5 تولے پر مشتمل طلائی منگل سوتر اڑا لیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے فوری طور پر کے پی ایچ بی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ کے پی ایچ بی پولیس نے مقام واقعے سے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کیے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ నాగోల్ నుంచి వంటకు వస్తున్నాను, వంటకు వస్తుంటే ఇక్కడ జయంతి దగ్గర దిగి ప్రగతి నగర్ వెళ్ళాలి. వెళ్తుంటే మధ్యలో వాడు వచ్చి నేను ఆటో కోసం ట్రై చేస్తున్నాను, ఇలాపడి వచ్చి రావంగానే పాపం ఇంకో అతను వచ్చి నన్ను తెంపడం చూసేసి ఇంకో అతనికి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. అది మూడు తులాలు అది నల్లపూసల వచ్చారమ్మా ఇద్దరు این جی بی ایس کے متصل حصے میں واقع غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے ایک حقہ سینٹر کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور نقد رقم کے بشمول حقہ دان و دیگر اشیاء ضبط کی گئیں۔ 25 سالہ سید اصغر حسین گیمنگ ہاؤس کی آڑ میں غیر قانونی طور پر حقہ سینٹر چلا رہا تھا۔ بابسوخ اطلاع پر ٹاسک فورس نے کارروائی کی۔ بعد ازاں گرفتار شدہ ملزم کو ضبط شدہ اشیاء کے ہمراہ میر چوک پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ موسا نگر چادر گھاٹ میں سالار ملت فری ٹیلرنگ سینٹر کا آغاز کیا، جہاں تربیت حاصل کر کے خواتین معاشی طور پر
خود مکتفی ہو سکتی ہیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ساتھ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ابرار محی الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں مجلسی رکن اسمبلی کی دلچسپی اور ذاتی سرفے سے کئی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے اور کامیابی کے ساتھ ٹیلرنگ سینٹرز و دیگر کوچنگ سینٹرز چلائے جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ راجہ رتنا ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے 3 مارچ کو لیڈی لیجنڈز ایکولیٹس کے عنوان سے ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے دوران قومی سطح پر نام کمانے والی خواتین کو اعزاز سے بھی نوازا جائے گا۔ اس سلسلے میں ٹرسٹ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ اس موقع پر ٹرسٹی ستیا یرا کے علاوہ آپریشن ہیڈ ڈاکٹر انکھم بھی موجود تھے۔ الہبازی اس روز ایک تقریب کا اہتمام کرتے ہوئے بہترین مظاہرہ کرنے والی خواتین کو بھی منتخب کیا جائے گا۔ Even tutor side who is giving you the tutors, this is also free of charge. So this is our motto and as a philanthropic activity of Raja Ratna and Healthcare and Educational Trust, Lady Legends Accolades is the program, and this program is going to be conducted on April 22nd either in Park Hyatt or Novotel or any 5-star hotels, and the main guest of honors would be the first ladies of India, achievers and bureaucrats, and we also called JD Lakshmi Narayan garu to host this project, and also we may invite Kavita garu, our Telangana pride, and also from Andhra Pradesh we may request one of the lady to host this, you know, as a guest of honor, and many women. And this entry for this will be through only invitation only, and I request media people to promote this project, because we ourselves cannot identify so many women in the society, like throughout India. So if today we conducted this press meet so that the media can also give nominations to us. You can also promote this event, and you can also give the nominations to us, so that we'll segregate them. All jury will take care of that. And I request once again. شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے 2 روزہ قومی سیمینار کا اہتمام 27 اور 28 فروری کو کانفرنس ہال CPDUMT مانو کیمپس میں کیا جا رہا ہے۔ صدر شعبہ ترجمہ ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر کے مطابق قومی سطح کے ماہرین ترجمہ اور ماہر لسانیات مہمانان کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ ان شخصیات میں JNU دہلی سے پروفیسر گریش ناتھ جھا، دلی یونیورسٹی سے پروفیسر رویندر گارگیش، ممبئی یونیورسٹی سے پروفیسر عبدالستار دلوی، افلو حیدرآباد سے پروفیسر ہری بنڈی لکشمی، بنگلورو کے سنٹر فار دکن اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے ڈائریکٹر پروفیسر ایم نور الدین سعید کے علاوہ دیگر شامل ہیں۔ صدر شعبہ ترجمہ ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر نے اہل ذوق خواتین و حضرات کے علاوہ ریسرچ اسکالرز سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ سیلیبریٹری بیڈمنٹن لیگ کی دفاعی چیمپئن ٹالیوڈ تھنڈرز ٹیم نے اپنے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا اور سیزن 2 کے سلسلے میں جرسی کی رونمائی بھی انجام دی۔ ٹیم کی اونر نندنی وجے کے علاوہ اس موقع پر کپتان فلم ایکٹر سندیپ کشن اور دیگر کھلاڑی بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ سیلیبریٹری بیڈمنٹن لیگ جنوبی ہند کی 4 بڑی ٹیموں پر مشتمل ہے، جن میں ٹالی ووڈ تھنڈرز کے علاوہ چنئی راکرز سے کیرلا رائلز اور کرناٹکا ایلپس شامل ہیں۔ ٹالی ووڈ ایکٹریس انجلی ٹالی ووڈ تھنڈرز ٹیم کی برانڈ امبیسڈر ہیں۔ اس ٹیم میں کمٹمنٹ بہت زیادہ ہے اور
इसको जो कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं फायर इन द बेली, वो बहुत है. सो वो बहुत अच्छा है, वो हर टीम में होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए और ये टीम में है तो इसीलिए. हाँ हाँ जी, अपूर्वा हूँ मैं. सीजन वन में बहुत मज़ा आया, एज इन खेलते खेलते ऐसे हंसी मजाक में हम कब भी जीत आए, बहुत ही मज़ा आया. इनफैक्ट कॉम्पिटिशन क्वाइट सॉलिड था, लाइक फाइनल्स एंड सेमी फाइनल्स दोनों काफ़ी, इनफैक्ट नवीन ने जिताया हमको बहुत, मज़ा तो बहुत आया. वेर एट द एंड ऑफ द डे हैविंग फन, ये नहीं है कि पूरा सीरियस स्पोर्ट्स है, हम आए हैं मज़ा के लिए एंड यू नो वो हुआ है. एंड कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट रविंद्र नायक की क़यादत में एक वफद ने सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि फौरी तौर पर रियासत के गिरिजनों के मसाइल और लंबाड़ा तबका के साथ इंसाफ करने के इकदाम किए जाएँ. इस वफद में सूर्या नायक, शंकर नायक के अलावा दीगर भी मौजूद थे. మరి బంజారా యువసేన అధ్యక్షులు గణేష్ నాయక్ గారితో సహా మేము ఆరుగురం ఈరోజు వారిని కలిసి మా సమస్యల గురించి వివరించాం. మొదటి సమస్య గిరిజనుల రిజర్వేషన్ పెంపు. ఏదైతే హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చిందో 2015లో 156వ డైరెక్షన్ నంబర్ 156 డైరెక్షన్ ప్రకారం 10% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వవలసింది. మరి దానికి దురదృష్టవశాత్తు మైనార్టీల రిజర్వేషన్ బిల్లుతో ఎస్టీల రిజర్వేషన్ బిల్లును కలిపి కేంద్రానికి పంపించడం జరిగింది. అది చాలా పొరపాటు. ఎందుకు అంటే కేంద్రము మైనార్టీ బిల్లుకు వ్యతిరేకమని వాళ్ళు ముందే చెప్పినా కూడా గిరిజనుల सरनशीन फाइनेंस कॉरपोरेशन पी राजेश्वर गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 फरवरी को कॉरपोरेशन के अराकीन के साथ अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा जिसमें कई एक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस इजलास के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की जाएगी. ఒక్కొక్క మండలం ఆ రోజు మా ఎంపీపీ అలాగే ఒక గ్రామ పంచాయతీ సెలెక్టర్ గ్రామ పంచాయతీ ఫస్ట్లో విజిట్ చేస్తాం. దాని ప్రిపరేషన్స్ కూడా మా మెంబర్ సెక్రటరీ గారు రేపు మండే సిఈఓసు డిపిఓసు వాళ్ళతో మీటింగ్ పెడుతున్నారు. అది అఫీషియల్ మీటింగ్ అయితే దానిలో ఆ అఫీషియల్ మీటింగ్లో అతను చూసుకుంటాడు. నేను 26 నాడు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా మా కరీంనగర్ జిల్లాకు వస్తున్నాడు అగ్రికల్చర్ మీటింగ్ కాబట్టి దాన్ని అటెండ్ చేస్తాను. అయితే చాలా వరకు గ్రామ పంచాయతీల వాటి పరిస్థితులు అలాగే ఆఖర్ మే సుర్ఖియా ఎక్ బార్ ఫిర్ जीडी मिडला के सनती इलाके में वाके फार्मा केमिकल कंपनी में आतिशबाजी हादसा, 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तश्वीशनाक. ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने टप्पा चबूतरा में ममनुआ गुटखा और जर्दे का रैकेट किया बेनकाब, 5 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद. प्रगतिनगर कुकटपल्ली में रहजनी की वारदात, 2.5 तोले तलाई मंगल सूत्र खातून के गले से उड़ा लिया गया. MGBS के करीब गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हुक्का सेंटर पर धावा, 25 साला नौजवान गिरफ्तार, हुक्केदान और दीगर अशिया की गई जब्त. प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी को 31 मार्च से कबल यकीनी बनाया जाए, बलदी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने आवाम से की अपील. नाज़रीन रोई न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ रोई न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है. रोई न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.